हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एमसीक्यू के लिए पार्ट सेकंड है गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए एटलीस्ट आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो ना जितना हो सकता है आपके ग्रुप्स होंगे आप आ, आप जहां भी आपका एक स्टूडेंट ग्रुप होगा ना तो आप उसमें शेयर कर दो एटलीस्ट मेरे वीडियो ओके okay? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आपको लग रहे हैं यूज़फुल है, तो आप शेयर कर दो ठीक है आपको लग रहा है नहीं यूज़फुल है इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम डोंट शेयर इट ठीक है लेकिन आपको अगर थोड़ा भी लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो हो सकता है ये किसी और के भी काम आ जाए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देयर आर थ्री वे टू ट्रीट वेस्ट थर्मली ठीक है थर्मली ट्रीट करने के तीन वे होते हैं ठीक है एंड फॉर दी सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम दी मिनिमम डिस मिनिमम डिसऑर्ड ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब सिक्स पी पी एम होती है वॉट इज ई वेस्ट ई वेस्ट क्या होता है ऑप्सलेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी वो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम uh, मतलब या तो रिपेयर के लिए रख देते हैं या फिर उससे अब हमारा यूज मतलब खत्म हो गया होता है बेकार हो गई होती है वो सारी आपकी ई वेस्ट कहलाती है नहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हाउ मच मनी सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इंडिया सिक्सटी टू मिलियन टन है हाउ मच मनीप एम एस डब्ल्यू इज डम्प इन लैंडफिल लैंडफिल में कितने डम्प किए जाते हैं वो थर्टी वन मिलियन टन है ठीक है वॉट इज पर कैपिटल रेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया तो ये आपका टू फिफ्टी ग्राम टू तो टू पॉइंट थ्री किलोग्राम पर कैपिटल पर डे की है ठीक है याद रखिएगा पर डे की दी है लीचेट आपकी क्या होती है लिक्विड डेट रिजल्ट वन गार्बेज सब्सटेंस इन ए लैंड फिट इन वाटर ठीक है जो भी आप जो गार्बेज होते हैं ना आपके जो मॉइस्चर होता है उसमें जो लिक्विड होती है वो आपकी जो होती है जो उसमें से निकलने लगती है ठीक है और वाटर में जाकर डिजॉल्व जाती है यही आपका लीचेट होता है ठीक है द मोस्ट सीरीस इन्वॉर्मेंटर इफेक्ट जो होता है पोस्ट बाई हजर्डस इज कंटेनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देना ठीक है कंटमिनेट कर देना वॉट इज द डेंसिटी रेंज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो आपके वन किलोग्राम पर मीटर क्यू टू सिक्सटी किलोग्राम पर मीटर की होती है ठीक है इग्निटिविलिटी कॉरसिविटी कॉरेसिविटी रिएक्टिविटी एंड टॉक्सीसिटी आर कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ हेजर्डस वेस्ट ठीक है ये सारे आपके हेजर्डस वेस्ट की हाई ह्यूमिडिटी डू नॉट कॉस्ट सॉलिड वेस्ट टू डम्पोज फास्टर ये फॉल्स है व्हाट परसेंटेज ऑफ म्यूनसिपिलिटी बजट एलोकेट एलोटेड फॉर एच तो आपका टेन परसेंट टू फोर्टी परसेंट होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ पमेबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ कंपेक्टेड वेस्ट ड्रेनेज होता है वॉट इज फील्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्ट टोटल अमाउंट ऑफ वॉटर रिटेन इन वेस्ट सैम्पल विदाउट अप्लाइंग प्रेसर ठीक है विच फॉलो विच अमंग द फॉलोइंग वेस्ट कंस्टिट्यूट हैव हैलोरी कैलोरीफिक वेरी लिपिड वेस्ट की होती है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इफेक्ट द पायलिसिस प्रोसेस डेंसिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज द करेक्ट ऑर्ट ऑफ गैसिफिकेशन ड्राइंग ड्राइंग होता है फिर डिवॉलिटाइलाइजेशन होता है फिर आपका कंबेशन होता है फिर गैसिफिकेशन होता है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड फिल आर प्रेजेंट फाइव टाइप ऑफ लैंड फिल आर प्रेजेंट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल बिहाइंड लैंड फिलिंग यह आपका ट्रिक होता है ठीक है जो कि ये प्रिंसिपल नहीं होता आपका लैंड फिलिंग एनी बड़ी कंटेंट इसके प्रिंसिपल होते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलिंग इज द बेनिफिट ऑफ रिसर्कुलेशन ऑफ द लीचेट इन अ लैंड ठीक है री सर्कुलेशन का क्या फ़ायदा होता है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्टिव इंजाम्स इसमें क्या होता है कि हो सकता है कुछ एंजाइम्स जो आपके एक्टिव नहीं होते वो रिसर्कुलेशन में एक्टिव हो जाता है ठीक हाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मूनिसपल सॉलिड वेस्ट नॉन हेजेड्रस वेस्ट आपका हाँ ये याद रखिए क्वेश्चन बहुत आ, अच्छा क्वेश्चन होता है मतलब काफी जगह पूछा भी आता है कि एम एस डब्ल्यू जो होता है आपका कौन सा वेस्ट होता है तो ये आपका नॉन हेजेड्रस वेस्ट होता है मतलब आपके जो भी वेस्ट जो सिटी वगैरह से कलेक्ट किया आता है हाउस होल्ड वेस्ट जो होते हैं वही इसमें आते हैं ठीक है और विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज डन ऑन द इन्वाइडर लेवल तो सोर्स रिडक्शन ठीक है सोर्स रिडक्शन हम कर सकते हैं इन्वाइडर लेवल पे विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू ये सारे प्रोसेस जो दिए हुए सारे ट्रू है दिस इज देर इज़ नो रियल वेस्ट इन नेचर एंड द अपरेंट वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम इनपुट टू अदर जो भी आपका वेस्ट होता है वो हो सकता है इनपुट हो जाए किसी और प्रोसेस के लिए एंड ऑल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्शन प्रोड्यूस वेस्ट ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लास्टिक विट कैन बी यूज टू माई कम्पोस्ट ये आपका ट्रू नहीं है प्लास्टिक के लिए एंड बायोगैस कैन भी प्रोड्यूड फ्रॉम लैंडफिल विच बायोग प्रोड्यूस हो सकती है लैंडफिल से विच कॉन्सेप्ट अपलाइड इन हेरची ऑफ इटिग्रेटेड सॉलिड रिस्ट मैनेजमेंट तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आफ ऑर अपला किया जाता है ठीक है डिडक्शन रियूज यही सब होता है आपका उसमें वट इज़ दर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आयर्ची फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट फॉरवर्ड प्रिवेंसल री यूज रिसाइकल एंड डिस्पोजल ठीक है वॉट आर दी मैथड बाई विच एनर्जी कैन रिकवर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी ठीक है वेस्ट से एनर्जी के रिकवर करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है सबसे पहले आपकी हीट किया जाता है फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी और फिर आपका को जनरेशन होता है ठीक है वट आर द एवानटेज ऑफ वेस्ट टू एनर्जी रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट आप किसी क्या होती है वॉल्यूम इसकी कम हो जाती है और रिकवर यूजफुल एनर्जी यूजफुल एनर्जी इसमें से रिकवर हो जाती है वट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिविव कंपोनेंट होता है एच डब्ल्यू एम का कलेक्शन इसका सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है आपको जगह घर जाकर जो इसमें कलेक्ट करते हैं लोग ठीक है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकिल इज रॉन्ग इंक्रीज द नीड फॉर माइनिंग न्यू मटेरियल ठीक है ये आपका रॉन्ग है रिसाइकिल के लिए हाँ नंबर ऑफ फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है सिक्स होता है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी डिजाइन फाइनेंस अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन इन इसका इंसनेशन कहते हैं ठीक है सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग यह आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूज थ्रू रिसाइकिल के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है द टर्म मूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जनरली यूज टू डिस्क्राइब वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ठीक है मतलब आपके नॉन हजार्डस होने चाहिए सारे ठीक है एंड वाई बरिंग वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज इट कॉज सेवर इन्वॉर्मेंट इज वाई इज रिसाइकिल्ड पेपर बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर बिकॉज इट गेट कंटामिनेशन ठीक है रिसाइकल पेपर को आप नहीं यूज कर सकते वो अभी फूड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज मतलब फूड के लिए आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि पता नहीं वो उससे क्या रिएक्शन कर जाए तो ये आपको कंटेमिनेशन क्रिएट कर सकता है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान आर यूज एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तो ये इंटीग्रेटेड प्लान जो आपका था वो यूज़ होता है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए ठीक है एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम जो ऑर्गेनिक मेटेरियल जो होता है सॉलिड का वो डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के थ्रू ठीक है सो so गाइज़ इस वीडियो में इतना अब बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है गाइज़ मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा प्लीज़ गाइज़ ठीक है एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है इसे तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ठीक है एटलीस्ट आप शेयर तो कर ही दीजिएगा अगर आपको अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही ठीक है ओके थैंक यू गाइज़